हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप जीके। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों, पहला जो 10 प्रश्न होगा इसमें वैसे प्रश्न होंगे जिनका जो है मैं वर्तमान में चल रहा करेंट, जो कि डेली करेंट चल रहा है, उसमें जो बैकग्राउंड में मैं जो कुछ बताता हूँ उस पर आधारित होगा, ताकि ये आप जान पाएं कि क्या वो प्रश्न इम्पॉर्टेंट है या नहीं है आपके परीक्षा के लिए और क्या आपको आता है या नहीं है। बाकी उसके बाद 11वां प्रश्न जो है सामान्य प्रश्न रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, की शुरुआत कब हुआ है। बहुत रिसेंटली मैंने इसके बारे में बताया था बहुत सारी बातें। तो खैर, यहाँ आंसर है, अगर आपके दिमाग में आता है तो आप जरूर आंसर अपना दें, ठीक है। तो 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो है शुरुआत हुआ था, ठीक है। और 11 अप्रैल को इसका जो है 31.48 करोड़ जो है अकाउंट खुल गया है इस योजना के तहत, यही बात था। और 81,000 करोड़ रुपये जो है इसी योजना के तहत जो है बैंकों में जमा किया गया है। इसी बात के जो बैकग्राउंड में मैंने इस बात को बताया था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कि 16 सालों तक उपवास यानी फास्टिंग करने वाली इरोम शर्मिला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर है मणिपुर, ठीक है। तो ये मणिपुर से संबंधित हैं और रिसेंटली में जो है मैंने टॉप करेंट में बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो है अफस्फा, ठीक है, अफस्फा जो है 23 अप्रैल को जो है मेघालय से जो है इस कानून को उठा लिया गया है, यानी वहाँ से समाप्त कर दिया गया था मेघालय से। और भी बहुत सारे बात मैंने इसके बारे में बताया था अफस्फा के बारे में। तो अफस्फा कानून को हटाने के लिए ही इरोम शर्मिला ने जो है 16 साल तक जो है उपवास किया था, यानी कि जबरदस्ती जो है उनको लिक्विड के माध्यम से जो है सरकार द्वारा जो है उनको जिंदा रखा गया 16 साल तक, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है कि नासा द्वारा मंगल ग्रह पर, मार्स प्लैनेट, ठीक है, पर भेजा गया रोबोट का नाम क्या है। तो आंसर है क्यूरोसिटी। तो क्यूरोसिटी दोस्तों अभी रिसेंटली में इसलिए चर्चा में था क्योंकि जो है इसने जो है 2000 दिन जो है मंगल ग्रह पर जो है अपना पूरा किया और 18.7 किलोमीटर की यात्रा वहाँ की है, ठीक है। अब देखिए, मोम भी ये मंगल ग्रह से रिलेटेड है, लेकिन वो मोम जो है भारत के संदर्भ में है, भारत का, ठीक है, एक तरह का रोबोट है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 4 नंबर का प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है बीजिंग। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, 8 देशों का ये जो है संगठन है और मुख्यालय बीजिंग में है, ठीक है। और भी बहुत सारे देश जो है ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर भी हैं और डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। तो ये सब बहुत सारे फैक्ट था जो मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर है इसका 21 अप्रैल। तो दोस्तों, 21 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकारियों को जो है सम्मानित किया था इस दिन को। तो ये मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। तो दोस्तों, जो है लोक सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे जो है भारत में 21 अप्रैल को और जो है UN द्वारा जो है 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी का नाम क्या है। तो आंसर है यनहप। तो यनहप नाम है और रिसेंटली में जो है इसी एजेंसी ने जो है घोषित किया था, न्यूज़ दिया था कि जो है उत्तर कोरिया जो है किसी तरह का जो है परमाणु और मिसाइल का जो है प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। अब आइए देखिए, राइटर्स जो है लंदन के है, तास जो है रसिया का है और सिन्हुआ जो है चाइना का है, ये सब न्यूज एजेंसियाँ हैं। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
तो 7 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में जो इसका उल्लेख किया गया है। तो आंसर है अनुच्छेद 61। तो दोस्तों ये अभी मुद्दा उठा था सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश है उन्हीं के वजह से ये उठा था महाभियोग का जो है प्रक्रिया से संबंधित। और तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हालांकि जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए जो है अनुच्छेद 124 का 4 में जो है व्याख्या किया गया है, इसके अलावा कुछ और कानून है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कि देश में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ। तो आंसर है 24 अप्रैल 1993 से। तो दोस्तों ये एक्चुअली 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 के नाम से जाना जाता है और त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुआ था देश में 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री ठीक है राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में गए थे। तो आंसर है सोयूज T-11 से जो है ये गए थे और लौटे थे जो ठीक है सोयूज T-10 से लौटे थे। 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट टोटल अंतरिक्ष में इन्होंने गुजारा है और जो है 2 अप्रैल 1984 में जो इन्होंने यात्रा किया है। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ठीक है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा देश के कौन सा मतलब कौन से वे जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। तो उनका स्थान क्या है, क्रम क्या है उनकी नियुक्ति का। तो आंसर है 45वां। तो 45वें मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के। तो 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि अभी यहाँ से जो है स्टैटिक प्रश्न चलेंगे। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 कथन है और सीधा मैं आंसर बताता हूँ, आप कथन पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आंसर है केवल 2। ठीक है, तो केवल 2 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया था इसको और भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। तो ये बात सही है, यानी 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो आंसर है रंगा द्वितीय। ठीक है, और दोस्तों राजा बोडियार ने जो है मैसूर में 1578 यानी कि 78 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया और इस समय जो है विजयनगर साम्राज्य के जो शासक रंगा द्वितीय थे जिनका शासन काल था 1575 से 1586। ठीक है, और वेंकट वन का शासन काल था 1586 से 1614 तक। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है कि इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन यानी कि सोल्डर प्रक्रिया के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आंसर है सीसा और टीन। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 14 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। तो इसका आंसर है सिंधु तथा झेलम के बीच। 15 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रमण जो है कालानुक्रम है। और इसका आंसर है यूनानी। तो पहले यूनानी थे आए थे उस मैंने इन्होंने आक्रमण किया है, उसके बाद शक ने किया आक्रमण और उसके बाद जो है कुषाणों ने आक्रमण किया है, तो यही क्रम है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए यूनानी ने जो है मौर्यत्तर काल में जो है सबसे पहले जो है आक्रमण किया था, उसके बाद जो है पार्थियन लोग थे, उसके बाद शक और उसके बाद जो है कुषाण ने आक्रमण किया है। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र
चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो ये है सन्यासी विद्रोह, ठीक है, पश्चिम बंगाल का है ये। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक जो है कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की जो है अनुमति मिली थी। तो इसका आंसर है सूरत, ठीक है, तो सूरत में मिला था। और ये जो दोस्तों अनुमति जो है जहांगीर ने एक फरमान के द्वारा जो है अंग्रेजों को दिया था, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा जो है बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो इन निम्न जो नाम है इनमें से किनको जो है उसके दोस्त ने यानी कि मित्र ने फ्रेंड ने जो है धोखा दिया है। तो आंसर है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को जो है उसके मित्र ने जो धोखा दिया, ठीक है, और अंग्रेजों से जो है बंदी बनवा दिया, बाद में जो है उनके द्वारा मार दिया गया है, गए हैं ये तात्या टोपे। तो दोस्तों 1859 ईस्वी का ये साल है जब इनका जो हत्या किया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो 1859 याद रखना है, ये 2 साल बाद विद्रोह के। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था में जिसमें जो है अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प जो है अंगीकृत किया गया था कि अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये। तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी सम्मेलन में जो एक घोषणा हुआ कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 26 जनवरी से प्रति साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है ये। तो आंसर है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है मैडम कामा, तो मैडम भीखा कामा नाम है पूरा, तो इन्होंने जो है 1907 में कहाँ आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और आंसर है इसका स्टुगट, जो कि जर्मनी में है, ठीक है दोस्तों। तो और जो देखिए ये पारसी परिवार में जन्मी थी, दादा भाई नौरोजी के जो है प्राइवेट सेक्रेटरी भी ये थी, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर के रूप में इनका समय था 1856 से 62 तक का, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा, ठीक है, जिसको PIL कहते हैं, लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो आंसर है PN भगवती। तो दोस्तों 1985-86 में भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य ये जो मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे, और जो है उन और जो है न्यायाधीश में BR कृष्ण अय्यर के प्रयासों से जो है ये जो है लाया गया है लोकहित मुकदमा। तो 24 नंबर का प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है। तो आंसर है दोस्तों नॉर्वे। तो नॉर्वे जो है नोबेल शांति नोबेल में जो है शांति पुरस्कार नॉर्वे में ही दिया जाता है, बाकी जो है स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए इसकी शुरुआत जो है अल्फ्रेड नोबेल ने जो है उनके ही याद में जो है 1901 से जो है किया गया है। तो 1901 में जो है इसके स्थापना हुआ है नोबेल पुरस्कार का। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 है कि किसने जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो आंसर है दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का नींव जो है 736 ईस्वी में रखा था, और चालुक्य राजा कीर्ति वर्मन को पराजित कर
दक्कन का अधिकांश भाग उससे छीन लिया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं सुमिलित है। तो आंसर है इसका दक्षिणी पूर्व रेलवे, जो कि भुवनेश्वर में नहीं है, बाकी जो है उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में है, इसी को कहते हैं मुख्यालय है गोरखपुर। पूर्वी रेलवे जो है इसका मुख्यालय कोलकाता है, और दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है, भुवनेश्वर में नहीं। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन जो है कब हुआ है। तो आंसर है दोस्तों 1972, ठीक है, 1972 में हुआ है। और देखिए ये भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें कहाँ से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आंसर है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो देखिए इसका जो है सही मिलान करना है तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सभी जो है सही मिलाया हुआ ही है, तो आपको ज़्यादा जानकारी हो इसलिए इसी तरह का क्वेश्चन जो है प्रारूप मैंने तैयार किया है। देखिए चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जो है वाराणसी में है, करेरा जो है वन्य जीव अभयारण्य जो है झांसी में है, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में है, और नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है जयपुर में है। तो ये चारों ऑप्शन जो है सही मिलाया हुआ है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 30 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है। तो देखिए ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है, लेकिन किसके साथ मिलकर लिखा था ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो देखिए आंसर है फ्रेडरिच एंजल्स, तो इनके साथ इन्होंने जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और देखिए ये जो है एक्चुअली जर्मन भाषा में लिखा हुआ है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और इसका प्रकाशन जो हुआ था फरवरी 1848 में लंदन में, तो लंदन में ये प्रकाशित किया गया था 1848 ईस्वी में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में बनी मैंने तो एक्चुअली 1946 में बनी अंतरिम सरकार में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो दोस्तों आंसर है खाद्य तथा कृषि, ठीक है, तो इसके इससे रिलेटेड जो है वीडियो अभी रिसेंटली में जो है मैंने बनाया था, जिसमें अंतरिम सरकार जो 1946 में था उसका डिटेल लिस्ट ही था। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जो है नॉर्डिक देशों में से नहीं है एक। तो खैर आंसर है इसमें जर्मनी, देखिए जर्मनी जो आंसर है इसका। अब देखिए दोस्तों जो नॉर्डिक देश किसको कहते हैं, तो स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड डेनमार्क आइसलैंड देशों के सामूहिक को जो है सामूहिक रूप से नॉर्डिक देश कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यूके भी नहीं होगा, चूंकि यूके भी नहीं आता है, टाइपिंग में थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हैं ना कि ऑप्शन चयन करने में थोड़ा सा समस्या है, लेकिन खैर तो मैंने अब दोस्तों यहाँ पर करेक्ट कर लिया है। और देखिए नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन डेनमार्क और आइसलैंड ये जो पांच देश हैं, ये पांचों देश जो है नॉर्डिक देश कहे जाते हैं, ठीक है, जबकि जर्मनी नहीं है। तो इस तरह जो है ए बी और सी तीनों जो है नॉर्डिक देश हैं, जर्मनी नहीं है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 33 है कि दाबोस जहां विश्व आर्थिक फोरम का जो है वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है कहां स्थित है। तो आंसर है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में जो है विश्व आर्थिक फोरम का जो है सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे हिस्सा लेने। तो दोस्तों ये थे 33 प्रश्न, आपको कैसे लगे मुझे सजेशन द्वारा जो है
सुझाव दें अपना अपना। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और डू नॉट फॉरगेट लाइक, तो लाइक सभी लोग कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।